जो लोग जिंदगी में तरक्की करते हैं वो क्या उठाते हैं? वो लोग ये उठाते हैं, ये उठा के जो है ना वो लोग जिंदगी में जल्दी तरक्की करते हैं। बहुत अच्छा। ये रहा मेरा मग्गा, ये जो आप लोगों को मग्गा नजर आ रहा है, इस मग्गे में मैं गर्म पानी पीता हूँ डेली। गर्म पानी के बाद मैं खाता हूँ अंडे। अब बारी है मक्खन की, सो अब मैं मक्खन खाने लगा हूँ। तो अभी चलते हैं और सब्जी लेके आते हैं। तो चाचा के पास फोन चुका हूँ, चाचा कह रहा है कि इस वक्त मेरे पास सब्जी नहीं है, अभी सलाह करो हमारे दूसरे दुकान में जाओ। मेरा एक फैन मुझसे मिलने आया है, सो कहता है कि आप व्लॉग बना रहे हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल व्लॉग बना रहा हूँ, आप कैसे हो? खुश हो? कितना खुश हो? बहुत खुश। क्या बात। तो इस वक्त बारी है आम खाने की, सो मैं आम खाने लगा हूँ। मैं शालीमार से होके टी चौक से होके बाईपास चौक से होके नौधरन बाईपास से होके सरदार या कभी कभार जिक्रिया टाउन में मिलना होता है। सो बड़ा मन करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आसिफ खान, आप लोग का भाई यार दोस्त। आज मैं अपने एक और व्लॉग का आगाज करने जा रहा हूँ। इस व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करना है मेरा जो डेली का रूटीन होता है उसको। सो आप लोग जो ना मेरा डेली का रूटीन देखने से पहले चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचते रहे। सो आइए मेरे डेली रूटीन को चेक करते हैं। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ किचन में। सो किचन में मैं क्या करता हूँ सुबह सवेरे अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। सो ये रहा मेरा मग्गा, ये जो आप लोगों को मग्गा नजर आ रहा है, इस मग्गे में मैं गर्म पानी पीता हूँ डेली। सो गर्म पानी पीना चाहिए सुबह के वक्त, गर्म पानी जो है वो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो गर्म पानी को आप लोगों को ऐसे नहीं पीना चाहिए, गर्म पानी जो होता है उसमें नीचे कचरा होता है। सो आप लोगों को जो ना इसको वो करना चाहिए, क्या बोलते हैं, छानना चाहिए, जिस तरह अभी मैं छानने लगा हूँ। ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तो ये हो गया तीन। साला बहुत ही गर्म पानी। तो ये रहा मेरा गर्म पानी। सो अभी इसको मैं थोड़ा इसमें ठंडा पानी मिलाएंगे, उसके बाद जो है हम लोगों ने इसको पीना है। तो इस वक्त मैं अपना गर्म पानी पीने लगा हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी सुबह के वक्त गर्म पानी पिया करो, गर्म पानी से आप सेहतमंद रहोगे, आपका जो चेहरा है वो करा रहेगा। सो मेरा, मैं इतना खूबसूरत तो नहीं हूँ लेकिन मेरा जो चेहरा है वो परफेक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह वो परफेक्ट है, दाने शाने नहीं है उसके। सो उसके बाद आपको इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपको शुगर नहीं होगा, आपको क्या बोलते हैं कैंसर नहीं होगा, आपको दिल की बीमारियाँ नहीं होंगी। जो जानलेवा बीमारियाँ है वो सब इंशाल्लाह गर्म पानी पीने से जो है इंशाल्लाह आपको उससे बचे रहोगे। गर्म पानी के बाद मैं खाता हूँ अंडे। सो अमूमन मैं दो अंडे खाता हूँ, आज घर वालों ने मेरे लिए तीन अंडे पकाए, मेरे ख्याल से उनको मुझ पर आज ज़्यादा प्यार आया है। सो अभी जो ना मैं इनको छील के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फाइनली हमारे जो अंडे वो छिल चुके हैं। सो आप लोग जो ना अंडों को जर्दी के साथ ना खाया करे। मैं अभी जो मेरी अंडों की जर्दी है वो मेरे भाई मुशर्रफ खान को देने लगा हूँ। ये बंदा जर्दियों का दुश्मन है। अब क्या हो जर्दियों के? के वक्त मैं दो अंडे खाता हूँ, एक अंडा फुल और एक विदाउट जर्दी के, क्योंकि जर्दी जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। सो जर्दी को जो है ना नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। अब बारी है मक्खन की, सो अब मैं मक्खन खाने लगा हूँ। सो मैं सुबह के वक्त गर्म पानी के बाद दो अंडों के बाद मैं नाश्ते में मक्खन खाता हूँ। तो अभी चलते हैं और सब्जी लेके आते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं आसिफ खान हूँ और मैं अपने घर के जो है ना वो काम नहीं करूँगा। सो अभी चलते हैं, सब्जी लाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। लोग मेरे रानी की हालत देख सकते हो कि जो मेरी रानी की हालत है वो किस तरह हुई है। दरअसल मैं बहुत कम निकलता हूँ आजकल घर से, सो जिस वजह से मैं चलाता नहीं हूँ अपने बाइक को। सो हालत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है बेचारी। तो चाचा के पास फोन चुका हूँ, चाचा कह रहा है कि इस वक्त मेरे पास सब्जी नहीं है, अभी सलाह करो हमारे दूसरे दुकान में जाओ। तो अभी चलते हैं चाचा के दूसरे दुकान में। जिन लोगों से हमारा खाता है हम लोग इन लोगों से जो है ना सब्जी लेते हैं। चाचा शफी कैसे हो आप? ठीक हो? सब बढ़िया, खुश हो? सब्जी नहीं आज? मेरा एक फैन मुझसे मिलने आया है, सो कहता है कि आप व्लॉग बना रहे हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल व्लॉग बना रहा हूँ, आप कैसे हो? खुश हो? कितना खुश हो? बहुत खुश। क्या बात है, खुश लग नहीं रहे हो? साला ये 2024 में क्यों सारे लोग दुखी है, मुझे तो ये समझ नहीं आते क्यों दुखी हो? दुखी नहीं, कुछ नहीं लग रहे।
लग रहे नहीं है कुछ, लग नहीं रहे हो वैसे वो कुछ। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है क्या? नाम मेरे चैनल फ्रेंड ऑफ राठी, चैनल का नाम फ्रेंड ऑफ राठी, सही है? चैनल को आपको चेक करना है और आपको तक पता जाएगा कि मैं कौन। इस वक्त पहुंच चुका हूं खजूर वाले भाई के पास। तो खजूर जो होता है ये भी खाने चाहिए, ये आपके जो है ना बहुत सारी चीजों को सख्त करता है। सो आप सब समझ गए होंगे कि ये किस किस चीज को सख्त करता है। आडियो के साथ साथ ये एक और चीज को भी सख्त करता है। सो खजूर खाना चाहिए बड़े भाई, खजूर आप इस तरह करो, इस तरह वाले डालो, इस तरह। मुझे कच्चे खजूर नहीं चाहिए। बड़े भाई ने जो है ना मुझे ये खजूर दे दिए जो एक साइड से कच्चे और एक साइड से पक्के हैं। जब आप ये कच्चे खजूर खाते हो तो आपके अंदर मुंह में जो है ना वो होना शुरू हो जाता है, एक सूखापन आना शुरू हो जाता है तुम्हारे मुंह में। इस वजह से जो है मुझे कच्चे खजूर पसंद नहीं है। इस दुकान में भी जो है वो सब्जी की वो कमी है, जो चीज मुझे चाहिए वो नहीं है। इतना बड़ा दुकान हो कि अभी आप लोगों को मैं दुकान दिखाने लगा हूँ, मजहर भाई से मैं नाराज हूँ। सामने आप लोगों को मजहर भाई नजर आ रहे होंगे जो है ना अपनी सब्जी को पूरा नहीं रखते। हमारा इन लोगों के साथ कहता है हमारा ख्याल बिल्कुल ये लोग नहीं रखते, मतलब मैं नाराज हूँ मजहर भाई आपसे। तो मुझे तूरी चाहिए थी, तूरी नहीं है, तो अभी मुझे लेनी पड़ेगी भिंडी। तो ये मेरी सब्जी हो गई है, आप लोग देख सकते हो मुझे चाहिए थी तूरी। सो तूरी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, इसीलिए अभी छोटा जो है वो प्याज मेरा सेक कर रहा है। छोटे में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा करते हैं। सही सही प्याज डाल क्या कर रहा है, सही सही प्याज डाल, बड़े बड़े प्याज डाल, बड़े बड़े। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ अपने स्टोर रूम में। सो आप लोगों को नीचे आपकी पेटियां नजर आ रही होंगी, ये 11 पेटियां आमो की ये हमारे ड्राइवर चाचा लेके आए थे। सो चाचा बड़े ही अच्छे इंसान है और बड़ी अच्छे शख्सियत के वो मालिक है। ये जो बंदा है चाचा, ये सर्दियों में हमारे पास किन्नू लेके आते हैं और जब आमो का मौसम होता है गर्मियों में तो ये खूब सारे आम लेके आते हैं जिसको हम लोग इंजॉय करते हैं। सो चाचा अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। तो इस वक्त बारी है आम खाने की, सो मैं आम खाने लगा हूँ। सो आप सबसे भी गुजारिश है कि आम खाया करो, मेरे दुकान के पेड़ से और अच्छे लोगों के बागार थे जो मेरे पेड़ से दुकान के, तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि तुम्हारा भाई आम खाने का बड़ा शौकीन है और अपने भाई के लिए जो है ना आम भेजो, अपने दिलों को बड़ा करो और अपने भाई के लिए कुछ आम दे दो। तो बस अभी चलते हैं वॉक करने, क्योंकि इस वक्त मैं वॉक करता हूँ, रात हो गई है। वॉक से आने के बाद आपसे मिलते हैं। मैं जरा अपने बूट्स निकालूं, ये रहे मेरे जोगर। लोग यकीन जानिए गर्मी क्या तो बुरा हाल है मेरा। सो इस वक्त मैं नॉर्दर्न बाईपास पहुंच चुका हूं, तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है यहाँ मुल्तान में, तो आप लोग देख सकते हो। ये मेरे भाई भी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जानान आप कैसे हो, तबीयत से आप कैसी है, खुश हो? कितने खुश हो? बस गर्मी के हिसाब से बड़ा खुश है। गर्मी के हिसाब से आपको जो है ना परेशान होना चाहिए। नहीं नहीं खुश होना चाहिए। अच्छा क्या बात है, मतलब हर हाल में अल्लाह बड़ा का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई, थैंक यू। आप राष्ट्र के फरमा सकते हो, मैं बिल्कुल बाईपास चौक पे खड़ा हूँ इस वक्त, बहुत ज्यादा गर्मी है। फिर मैं डेली बेसिस पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे वॉक करता हूँ। तो आप लोग कहोगे कि यार आप तो मोटे हो गए हो, क्योंकि आप लोगों ने मेरा आजकल रूटीन देखा होगा, मोटा मैं इस वजह से हो गया हूँ, अगर मैं वॉक करता हूँ ना तो फिर मैं खाता भी ये भी हूँ। सो इस वजह से मैं जरा फिर से वजनदार हो गया हूँ आजकल। चाचा कैसे हो? कैसे चाचा, मेरा दोस्त है चाचा, बकरे बेचता है। चाचा खुश हो? खुश रहा करो, दोस्त बड़ा ज्यादा है। चाचा का कारोबार है बकरों का, तो चाचा अपने बकरे बेचता है, आप लोगों को मैं बकरे भी दिखाता हूँ। ये रहे बकरे। जो लोग जिंदगी में तरक्की करते हैं वो क्या उठाते हैं? वो लोग ये उठाते हैं, ये उठा के जो है ना वो लोग जिंदगी में जल्दी तरक्की करते हैं। बहुत अच्छे, अगर आप ये उठाते हैं तो आज आपको एक बड़े पोस्ट पे होते, ठीक है? आप यहाँ पे बकरे ना बेच रहे होते, ठीक है? अब ये नहीं कहूंगा कि बकरे बेचना ये गलत बात है, ये भी एक अच्छा कारोबार है। जी जी, मेरा भी इरादा है अगर मैं अमीर हो गया तो मैं इंशाल्लाह बकरे भी बेचूंगा। सो आप लोग ये उठाया करे, इससे आप लोग जल्दी कामयाब हुआ करोगे फ्यूचर में, जिस तरह हमारे सीआर और जीआर कामयाब होते क्लास में, और जो लोग बड़े पोस्टों में होते हैं वो लोग भी ये उठा के जो ना वहाँ पे पहुंचे हुए। इस वक्त आपका जो भाई है वो सरदार पहुंच चुका है, तो मैं शालीमार से होके टी चौक से होके बाईपास चौक, बाईपास चौक से होके नौदरन बाईपास, नौदरन बाईपास से होके सरदार, या कभी कभार
तो आप लोग जो है ना अपने भाई आसिफ की हालत देख सकते हो कि क्या हालत भी पड़ी है। सो अभी तुम्हारा भाई पहुंचा है बाग से, सो जो है ना मेरा बुरा हाल हो जाता है जब मैं वॉक करके जो है ना घर पहुंचता हूँ। सो आप सब भी जो है ना वॉक किया करे, अपनी सेहत का खास ख्याल रखा करे, क्योंकि अगर आप लोग हेल्दी होंगे तभी आप लोगों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा और आपकी जो फैमिली आप उसको बेटर तरीके से सपोर्ट कर सकोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपने भाई आसिफ को दो इजाज़त। सो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आप लोगों को इंटरव्यूज़ मिला करेंगी, क्योंकि अज़ीज़ खान स्ट्रिपलर लाइन है, वो जैसे आते हैं वहाँ से, तो इतना लोग जो ना वो जो सिलसिला इंटरव्यूज़ का वो शुरू करेंगे।